हेलो भाई, मैं अंकित। कल आप सभी ने मारुति नेक्सा की सारी गाड़ियों को सेल्स के बारे में जाना था, लेकिन आज वाले वीडियो में अपन मारुति एरिना के सेल्स के बारे में जानेंगे। एरिना में टोटल 9 मॉडल बिका करती है भाई। सबसे पहले तो मैं आपको टोटल सेल्स बता देता हूँ मारुति एरिना का। 96,493 यूनिट बिके नवंबर में, जबकि अक्टूबर में 119,496 यूनिट बिकी थी। मतलब 23,003 गाड़ियां कम बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने मारुति एरिना की। एरिना में इनकी सस्ती सस्ती गाड़ियां बिका करती है भाई, नेक्सा में प्रीमियम कार बिका करती है। खैर, आओ देख लेते कौन कौन सा मॉडल आखिर कितना बिका है। 9 मॉडल मैंने आपको बताया ना। 9th नंबर पे आइए एस्प्रेसो। ये एक प्रीमियम SUV है भाई, क्या करूँ, इश्यू भी नहीं है। नवंबर के महीने में 1883 यूनिट बिकी इसकी, जबकि अक्टूबर में 3368 यूनिट बिकी थी। 1485 गाड़ियों का गिरावट एस्प्रेसो के सेल्स में, 1485, बाप रे बाप है। ये गाड़ी आपको 4,98,000 रुपये से शुरू होकर 7,09,000 रुपये तक मिल जाती है, एक शोरूम नहीं ऑन रोड। खैर, बात करें अगली गाड़ी की तो 8th नंबर पे आइए सेलेरियो। इस गाड़ी को हाल फिलहाल में अपडेट मिला है भाई, लेकिन उतना मजेदार सेल नहीं अचीव कर पा रही है। और नवंबर में देखो ना, 2215 यूनिट मात्र बिकी है, जबकि अक्टूबर में 4317 यूनिट बिकी थी। मतलब 2102 गाड़ियाँ कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने सेलेरियो की। 6,24,000 रुपये से शुरू होकर सेलेरियो 8,33,000 रुपये तक मिल जाती है। बाकी 7th नंबर पे आइए अल्टो K10 है, इसकी 8076 यूनिट बिकी है, जबकि अक्टूबर में 11,200 यूनिट बिकी थी। मतलब 3124 गाड़ियां कम बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने अल्टो K10 की। ये आपको 4,67,000 रुपये से शुरू होकर 6,92,000 रुपये तक मिल जाती है। बाकी 6th नंबर पे आइए इको। ये गाड़ी कमर्शियल के लिए ज़्यादा यूज की जाती है भाई। नवंबर के महीने में 10,226 यूनिट बिकी इसकी, जबकि अक्टूबर में 12,975 यूनिट बिकी थी। मतलब 2759 गाड़ियां कम बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने इको की। इसका भी वही हाल है, 6,19,000 रुपये से शुरू हो गए 7,62,000 रुपये तक मिल जाती है। जहाँ तक मुझे पता है भाई, इको हरदम इंप्रूवमेंट ही करती है, लेकिन इस महीने पता नहीं कैसे गिर गया सेल्स भाई इको का। खैर, 5th नंबर पे आइए अर्टिगा। ये तो किंग गाड़ी है भाई। नवंबर के महीने में इसकी 12,857 यूनिट बिके, जबकि अक्टूबर में 14,209 यूनिट बिके थी। मतलब 1352 गाड़ियाँ इसका भी कम बिका है। 10,14,000 रुपये से शुरू होकर 15,35,000 रुपये तक मिल जाती है गाड़ी ऑन रोड है। बाकी 4th नंबर पे आइए ब्रेजा। नवंबर के महीने में इसकी 13,393 यूनिट बिके, जबकि अक्टूबर में 16,050 यूनिट बिके थी। मतलब 2657 गाड़ियाँ ब्रेजा के भी सेल्स में गिरावट है, बाप रे बाप है। 9,73,000 रुपये से शुरू होकर ब्रेजा आपको 16,58,000 रुपये तक मिल जाती है। बाकी 3rd नंबर पे आइए स्विफ्ट प्रीमियम हैचबैक। नवंबर के महीने में 15,311 यूनिट बिकी इसकी मात्र, जबकि अक्टूबर में 20,598 यूनिट बिकी थी। मतलब 5,287 गाड़ियाँ कम बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने स्विफ्ट की। ये आपको 7,02,000 रुपये से शुरू होकर 10,58,000 रुपये तक मिल जाती है। इसमें पेट्रोल के साथ आपको CNG भी मिल जाता है। ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में तो CNG मिलने ही लगा है भाई धीरे धीरे मारुति की। खैर, 2nd नंबर पे आइए डिजायर। ये एक सेडान है भाई, अफोर्डेबल प्राइस में आती है इसीलिए दबा के बिकती है। इसमें स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है। नवंबर के महीने में इसकी 15,965 यूनिट बिकी है, जबकि अक्टूबर में 14,699 यूनिट बिकी थी। मतलब 1266 गाड़ियाँ कम नहीं ज़्यादा बिकी डिजायर की। मतलब एक तरफ हमने देखा भाई सारी गाड़ियों का सेल्स में गिरावट है, लेकिन डिजायर एक लौती ऐसी गाड़ी है जिसके सेल्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है नवंबर में। मतलब ये गाड़ी नेक्स्ट लेवल की है यार है। 7,61,000 रुपये से शुरू होकर 10,99,000 रुपये तक मिल जाती है आपको ऑन रोड। बाकी नंबर 1 पे आइए वैगनार। इसकी 16,567 यूनिट बिकी है, जबकि अक्टूबर में 22,080 यूनिट बिकी थी। 5,513 गाड़ी है इसकी भी कम बिकी है। वैगनार का भी सेल्स में गिरावट है, लेकिन डिजायर के सेल्स में गिरावट नहीं है भाई। वाह, मान गया भाई डिजायर को। 6,45,000 रुपये से शुरू होकर 8,71,000 रुपये तक मिल जाती है आपको वैगनार ऑन रोड है। इसमें भी आपको CNG पेट्रोल मिल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम सभी ने भाई मारुति एरिना की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जान लिया मॉडल वाइज, पिछले महीने से भी कंपेयर कर दिया। आप सभी ने देखा ही, मजा आपको आया ही होगा मैं जानता हूँ भाई। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।